मनुखी हकां दी लड़ाई दौरान शहीद होए भाई जसवंत सिंह खालड़ा दी जीवनी बारे गुरमीत कौर वालों लिखी गई किताब मरजीवड़ा भाई जसवंत सिंह खालड़ा नूं चंडीगढ़ दे प्रेस क्लब विच रिलीज किया गया। इस मौके मुख बुलारे दे तौर ते बोलदिया होया एडवोकेट आर एस बैंस ने कहा कि जसवंत सिंह खालड़ा ने पंजाब विच मनुखी हकां लई डट के लड़ाई लड़ी सी। फंक्शन तां बुक रिलीज ही है, मरजीवा जसवंत सिंह खालड़ा दे जीवन ते लिखी पहली किताब 25 साल तो बाद उन्होंने शहीदी तो 25 साल तो बाद आज छपी है। गुरमीत कौर जी जिहड़े बाहर रहिंदे ने उन्होंने छापी है, पर इहनूं किताब उद तक ही मैं कह रहा जब तक मैं देखी नहीं सी। जदों तुसीं देखदे हो किताब घट है, पीस ऑफ आर्ट ज़्यादा है। बिल्कुल थानू उहो जिही फीलिंग हुंदी जिद्दां किसी म्यूजियम में जाके तुसीं कदी पिक्चर देखते हो, कदी कोई होर चीज़ देखते हो, सोहनी चीज़ बिल्कुल आर्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन है। इहदे शब्द घट ने, पेंटिंग्स ज़्यादा ने, न्यूज़ प्रिंट ने, पूरे पंजाब की पिछले 50 साल की जिहड़ा इतिहास भी परोया होया जसवंत सिंह खालड़ा की नज़रों तो, क्योंकि इतिहास कई नज़रों तो देखा जाता है। एक KPS गिल की नज़र है जिहड़ा सारे पंजाब नूं बदनाम करता है, उन्होंने कहता कि आतंकवादी ने। एक जसवंत सिंह खालड़ा की नज़र है जिहड़ा उन्हां दी आवाज़ चुकता है, जिस तरह कदी गुरु गोबिंद सिंह जी ने दीन और हीन के हक में बोलने लिए तलवार दित्ती सी इस जगह के लोगों नूं। तो बिल्कुल ये किताब लिखी गई है पीपल्स हिस्टरी, मनुखी अधिकारां दे लड़न वाले योध्यां दी अखां चों उन्हां नूं जो दिखता है वो कहानी लिखी हुई है जसवंत सिंह खालड़ा दे जीवन नू आधार लैके। तो इस करके किताब कहना घट है, एक हिस्टोरिकल मॉनस्क्रिप्ट कहना ज़्यादा सही है। और इन्ने सोहने ढंग नाल लिखी हुई है कि तुसीं खोलदे आ तो तुहानू बिल्कुल थकावट नहीं होंदी कि तुसीं किताब पढ़ रहे हैं, तुहानू लगता तुसीं एक बिल्कुल पिक्चर वांग महसूस होंदा है, एक वीडियो चली जा रही है और वो सामना डिफरेंट इतिहास के पन्ने तुहाडे सामने, चाहे अखबारों की कटिंग है चाहे कोई पेंटिंग है, तो उस तरह एक ख़त्म करती है पूरी कहानी और बड़ा बड़ा लंबा स्ट्रोंग मैसेज देती है, पुराने सिख इतिहास का लंबा मैसेज देती है। मरजीवड़ा जसवंत सिंह खालड़ा, मरजीवड़ा मतलब मर के भी जिहड़ा हमेशा जिउंदा है। तो टाइटल की जिहड़ी चॉइस है वह भी बहुत ही सोहने तरीके दे नाल कीती है। बाकी सब तो वधिया गल मैनू इहो ही लगी है कि उन्होंने हिस्टरी नू बड़े सीकुएंस दे नाल प्रजेंट किया है, जिदे विच उन्होंने 1947 1984 तीजा घल्लूघर जिहड़ा सारा कुछ रख के सीकुएंस बच्चों नू समझाउण दी 20वीं सदी दे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है किताब। तो मैनू लगता भी अज दे बच्चों की यह लोड़ है, 20 साल तो बाद 25 साल तो बाद किताब आ रही है, जदों इतिहास लिखा जाता इन्ना समा लग ही जाता। मैं आप ये गल्लां नोट करती रही हाँ कि जदों ये माड़े हालात सीगे तो पेरेंट्स अपने बच्चों नूं कोई गल दसदे ही नहीं सीगे, वह गवांढ विच जे कोई इहो जी घटना घटी है तो उन्हां नूं उस बारे भी चंगी तरह नहीं सी दस्या जाता। पर जदों ये किताबां आउंदियां जां कोई फिल्म आउंदियां जां कोई इहो जी चीज़ आउंदी है तो फिर तुसीं बच्चों नूं रोक भी नहीं सकते पढ़न तो, मापे भावें किन्ना ही सोचते हो कि इस गल का बच्चों नूं पता ना लगे। ये किताब के आन के नाल मैनूं लगता है कि बच्चे अपने इतिहास के नेड़े हो जाएंगे, 20वीं सदी के जो भी साढ़े नाल वापरिया वह बच्चों नूं समझाउणा बहुत जरूरी है, क्योंकि जे आपां बच्चों नूं ये नहीं दसते तो बच्चों नूं इतिहास का तो की पता लगना, उन्होंने ये भी नहीं पता लगना कि जिहड़ियां अगे असीं लड़ाइयां लड़नियां वो किवें लड़नियां। तो ये लड़ाई नूं अगे जारी रखण दे लई हुणे भाई साहब ने कहा है कि ये उसे दा ही जिहड़ा 1984 वाले कांड दा ही जिहड़ा हुण अज चल रहा संघर्ष है उहदा ही हिस्सा है। तो मैनूं लगता है मुक्कणा भी उत्थे जा के ही है जिथों 1984 शुरू होया सीगा। इहनूं आपां इस जिस रंभ में वेखांगे कि स्वैमान की गल सी तो अज भी साड़ी स्वैमान की लड़ाई है, तो आपां अपने स्वैमान अगे तोरन दे लई सांभण दे लई पहलां बच्चों तो शुरू करते हैं, तो फिर जिहड़े आ बच्चे भी सानू गाइड करनगे कि असीं आ लड़ाई इस तरह लड़ना चाहते हैं जिवें अज दे प्लेटफार्म ते जिहड़े यंग जनरेशन है वह अगे हो के अपनी जिहड़ी है वह परफॉर्मेंस दे रही है। मैनू लगता है
ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਥਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵ ਪੂਰਤ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀਰਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਰਹੀਏ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਪਿੰਡ ਕਸਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ। ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਰ ਆਮੋ ਖਾਸ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।